हे हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री इंट्रो। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम काइनेटिक्स के कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये थोड़े से रेट लॉ से रिलेटेड हैं और थोड़े जो न्यूमेरिकल्स होंगे ये इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ जो है उससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। सो आप केमिस्ट्री एंट्रोल को फॉलो कर सकते हो अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। केमिस्ट्री एंट्रोल इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, हैशटैग एंट्रोल्ड आर्मी। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जो नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है वो टेलीग्राम का और व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। तो जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है ये काफ़ी थियोरेटिकल न्यूमेरिकल है, मुझे लगता है इस न्यूमेरिकल को आराम से किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है इन सडन केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप। दो स्टेप में केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें पूछा गया राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखना स्टार्ट करूँ इसका, आई थिंक सो CLO और CLO यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और आई डोंट थिंक सो कुछ और क्लोरीन और क्लोरीन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास कंपाउंड क्या बचेगा, O3 प्लस O गेट्स कन्वर्टेड इन टू यहाँ पे O2 बचेगा, दैट विल बी 2 times O2। तो देखो चार ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 3 और 1 4 ऑक्सीजन, इसको ओजोन कहते हैं ना। उसके बाद आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट वो स्पीशीज होती है जो स्टार्टिंग में नहीं होती, रिएक्शन के बीच में बनती है और फिर वहीं पे गायब हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे CLO एक वो स्पीशीज़ है जो रिएक्शन में बनी और वहीं के वहीं वो रिएक्शन में वहाँ पर गायब हो गई। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट को पहचानने का एक तरीका ये होता है कि वो पहले रिएक्शन के राइट हैंड साइड में होगा और दूसरे रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की अगर कोई बात करेगा तो क्या हो जाएगा, CLO। फिर उन्होंने बोला आइडेंटिफाई द कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट वो चीज़ होता है जो रिएक्शन के स्टार्ट में भी प्रेजेंट होता है और रिएक्शन के एंड में भी रीअपियर होता है, बीच में भले वो गायब हो जाता है। तो इसको मैं एक तरीके से ऐसे कह सकता हूँ कि पहले रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखो अगर मेरे पास दो रिएक्शन है कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स में हो रहे हैं, यहाँ और यहाँ पर अगर कोई चीज़ है, अगर यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है, तो नो डाउट वो आपका क्या हुआ होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और यहाँ पर वाई और यहाँ पर अगर कोई वाई है तो नो डाउट वो आपका क्या हुआ होगा, कैटलिस्ट हुआ होगा, क्योंकि कैटलिस्ट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बट रीअपियर्स एट द एंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो कैटलिस्ट यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे कैटलिस्ट हो जाएगा मेरा क्लोरीन, तो क्लोरीन इज वर्किंग एज अ कैटलिस्ट। आई होप क्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम है। अब आपको यहाँ पे निकालना है कि रेट लॉ आपको यहाँ पे लिख के दिखाना है। आपके सामने केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, NO2 प्लस CO गिव्स यू NO प्लस CO2। फिर उन्होंने कहा इफ द रिएक्शन ऑकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप। दो स्टेप में आपका रिएक्शन होता है, पहली स्टेप स्लो स्टेप है, दूसरी स्टेप में बोला कि ये फास्ट स्टेप है ना। हमारा रूल हमसे ये कहता है कि अगर एक रिएक्शन, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है वो हमेशा कौन से स्टेप में होता है, मल्टी स्टेप्स में होता है। अब मल्टी स्टेप्स में भी जो सबसे स्लो स्टेप है, जो आपकी स्लो स्टेप होगी जिसको कहा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसी के ऊपर आपका रेट लॉ डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सबसे स्लो स्टेप कौन सी है, मुझे लगता है सबसे स्लो स्टेप मेरी पहली वाली सबसे स्लो स्टेप है। तो इस हिसाब से देखो, अगर एक नॉर्मल इंसान इसका आंसर लिखता तो नॉर्मल इंसान क्या लिखता, रेट विल बी इक्वल टू के इंटू NO2 रेस टू 1 इंटू CO रेस टू 1, और वो बोलता है इसका जो ऑर्डर है वो 2 निकल के आता है, ठीक है चलो ऑर्डर 2 है, लेकिन रेट ऑफ अ रिएक्शन CO और NO2 पे डिपेंड करता है। लेकिन हमें पता है कि जो स्मार्ट इंसान होगा वो क्या कहेगा कि नहीं, रेट ऑफ अ रिएक्शन स्लो मैकेनिज्म पे डिपेंड करती है, और स्लो मैकेनिज्म के हिसाब से जो रेट आएगी वो क्या निकल के आएगी, के इंटू NO2 रेस टू 1 इंटू NO2 रेस टू 1। अगर मैं देखूं तो के इंटू NO2 रेस टू स्क्वायर हो गया, अभी भी ऑर्डर सेकंड है, स्टिल द ऑर्डर इज स्टिल सेकंड, बट द प्रॉब्लम इज़ कि अब CO पे नहीं, सिर्फ NO2 पे डिपेंड कर रहा है। तो ये डिफरेंस आ जाता है एक नॉर्मल स्टूडेंट के बीच में और एक स्टूडेंट जिसको पता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही होती है जो डिटरमाइन करेगी, फास्ट स्टेप के ऊपर कभी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर उन्होंने पूछा रेट ऑफ NO3 क्या है, रोल ऑफ NO3 क्या है सॉरी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको अगर पहले रिएक्शन के राइट हैंड साइड में अगर कोई चीज़ मिलती है, दूसरे रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई चीज़ मिलती है, तो नो डाउट वो चीज़ क्या हुई होगी, वो इंटरमीडिएट हुई होगी। तो ये आपका इंटरमीडिएट है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी ऑलमोस्ट सेम है। ये जो तीन क्वेश्चन थे मैंने इस पर्पसली इन क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय रेट। देखो इन्होंने रेट दे दिया है, अगर एक नॉर्मल इंसान इस रिएक्शन का रेट लिखता तो वो कैसे लिखता, के लिखता, NO लिखता, रेस टू स्क्वायर लिखता, फिर वहाँ पे वो CL2 लिखता, रेस टू 1 लिखता। ये आप तब लिखते जब ये रिएक्शन एलिमेंट्री होता और मेंशन किया होता कि इट्स एन एलिमेंट्री रिएक्शन, बट सिंस ये एलिमेंट्री नहीं है, उन्होंने रेट दे दी है, तो दिस रेट इज रॉन्ग। उन्होंने रेट बोला है रेट इज इक्वल टू के इंटू NO रेस टू 1 इंटू CL2 रेस टू 1। तो इस हिसाब से जो ऑर्डर निकल के आएगा, ऑर्डर कितना निकल के आएगा, सेकंड। इस हिसाब से अगर ऑर्डर आता तो ऑर्डर कितना निकल के आता, थर्ड। तो थर्ड ऑर्डर नहीं है, इट्स एन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर उन्होंने पूछा द रिएक्शन ऑकर इन द फॉलोइंग स्टेप। ये आपके पास दो स्टेप्स दी हुई हैं उन्होंने। फिर उन्होंने बोला इज NOCl2 ए कैटलिस्ट और रिएक्शन इंटरमीडिएट, वाई।
भाई NaCl2 एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है कि कैटलिस्ट है, और क्यों है इसका रीज़न देखो बड़ा आसान है। रिएक्शन अगर जो कैटलिस्ट होगा वो यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा और यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा, वो यहाँ आएगा और वो यहाँ साइड में आएगा, बट नहीं है ऐसा कोई। NaCl2 यहाँ प्रेजेंट हुआ है, यहाँ हुआ, मतलब वो बना, वो फॉर्म हुआ और वो कंज्यूम हो गया, तो इसलिए रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो, ना कि कैटलिस्ट है। फिर उन्होंने बोला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताओ। अब हम सबको एक नॉलेज पता है, अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री होता तो रेट ऑफ ए रिएक्शन ये होती, बट ये रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो रिएक्शन सबसे स्लो होगा, स्लो रिएक्शन के ऊपर ही आपका रेट डिटरमाइन करेगा, और रेट डिटरमाइन करने के लिए उसमें जो रिएक्शन में जो लोग प्रेजेंट होंगे उसी हिसाब से रेट बनती है। मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसकी जो सबसे स्लो स्टेप होगी, उसकी जो रेट होगी, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वही उस रिएक्शन में होने चाहिए। तो NO के ऊपर 1 आना चाहिए, Cl2 के सामने 1 आना चाहिए, तो NO के सामने 1 आना चाहिए, तो NO के सामने 1 और Cl2 के सामने 1। आई थिंक सो पहली जो स्टेप है यही आपकी स्लो स्टेप है, क्योंकि अगर सेकंड स्टेप स्लो होती तो जो रेट होता, रेट के अंदर NaCl2 आता और NO आता, क्योंकि पहले रेट के अंदर NO और Cl2 दिया हुआ है, NO दिया है और Cl2 दिया है, तो फर्स्ट स्टेप विल बी योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आई होप समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखो, ये क्वेश्चन फिर से सेम है, आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। द क्वेश्चन से इसकी आपके सामने एक रिएक्शन है, इज गिवन बाय, उसका रेट आपको ऑलरेडी दे दिया है उन्होंने, रेट दे दिया है, दैट इज के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेस टू 1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO रेस टू स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या समझ में आया, हमको यहाँ से ये समझ में आया कि अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री होता तो हाइड्रोजन के आगे 2 लगा है तो ऊपर 2 आता, लेकिन सिंस उन्होंने आगे 1 दिया है, ये सिंपली आपको ये बताता है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री ना होके कॉम्प्लेक्स है। अब क्वेश्चन पूछा था रिएक्शन ऑकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप, ये दो स्टेप में रिएक्शन ऑकर होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ N2O, तो N2O देखो यहाँ पर है और N2O देखो यहाँ पर है, तो आई विल से कि वो रिएक्शन इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है आपका, रिएक्शन इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद उन्होंने बोला आइडेंटिफाई द स्लो स्टेप। अब भाई देखो, जो भी स्लो स्टेप होगी, अब हम स्लो स्टेप बनाते हैं, स्लो स्टेप में हाइड्रोजन आएगा, स्लो स्टेप के अंदर नाइट्रोजन आएगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं, और उनके सामने 1 लगा होगा और इसके सामने 2 लगा होगा, क्योंकि जब रेट लिखा होगा तभी तो हमने ऐसा लिखा होगा। तो ऐसा कोई स्टेप ढूंढो जिसमें हाइड्रोजन के सामने 1 लगा हो और जिसमें NO के सामने 2 लगा हो, हाइड्रोजन के सामने 1 लगा हो, NO के सामने 2 लगा हो, तो मुझे लगता है यही मेरी जो रेट जो रिएक्शन होगा ये मेरा स्लो स्टेप होगा, जिसको हम कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना। ये जो क्वेश्चन बेस्ड है ये इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड है, इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ, और इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ में भी ये बेस्ड है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व है, कॉन्सेंट्रेशन ना कि प्रेशर या वॉल्यूम इन्वॉल्व है, सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर इन्वॉल्व क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन एसिडिक सॉल्यूशन सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो हम सबको पता है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम होता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, के विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम लॉग टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन एट दैट टाइम। इसको कहा जाता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और इसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन एट दैट टाइम, ठीक है। अच्छा, इट हैज बीन फाउंड दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज डिक्रीज फ्रॉम का मतलब हो गया इनिशियल, फ्रॉम 20 मिलीमोल पर लीटर, इसको मिलीमोल पर लीटर कहते हैं, टू 8 मिलीमोल पर लीटर, तो फॉर्मूला गेन 38 मिनट्स। तो देखो टाइम दे दिया है, इनिशियल दे दिया है, फाइनल दे दिया है, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अब मुझे पता है टी हाफ का जो फॉर्मूला है, क्योंकि उन्होंने हाफ पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के, ठीक है, ये 0.693 0.694 फर्क नहीं पड़ता, 0.693 हम लेके चल रहे हैं, डिवाइडेड बाय के, तो मुझे के चाहिएगा, तो के कैसे फाइंड आउट करोगे, के यहाँ से मिल जाएगा। सो सॉल्व कैसे करोगे, के विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 38 मिनट्स, तो इसको मिनट में ही रखो, अगर के का वैल्यू आपने मिनट में रखा है तो आपका टी हाफ का आंसर आएगा, वो भी किस में आएगा, मिनट में आएगा, अगर के का वैल्यू सेकंड्स में आवर्स में कन्वर्ट करते हो उस हिसाब से टी हाफ का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। सो दिस विल बी लॉग टू द बेस 10, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना बोला 20 मिलीमोल। अब देखो ऊपर भी मिलीमोल है करेक्ट, तो नीचे भी मिलीमोल आएगा, तो मिलीमोल को अगर मोल्स में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लेना पड़ेगा, क्या, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आएगा 10 टू द पावर -3 मोल्स,
मिली मोल्स है ना, तो उसको मोल्स में डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 8 × 10⁻³ मोल्स। अब देखो इसीलिए मैं कह रहा, अगर दोनों में मिली मोल है तो वो 10⁻³ - 3 कैंसिल हो जाएगा, मोल्स और मोल्स कैंसिल हो जाएगा, तो कन्वर्जन करने की ऐसे जरूरत नहीं है, आप चाहो तो सेम रख सकते हो। ये बता रहा हूँ क्योंकि उन स्टूडेंट्स के लिए जो कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर मिली मोल और मोल में फ़र्क क्या है। आप अगर मिली मोल को याद रखना, वन मोल इज इक्वल टू 1000 मिली मोल, या इसको हम कह सकते हैं 10⁻³ मिली मोल। तो अगर मुझे 1 मिली मोल को कन्वर्ट करना है, 1 मिली मोल विल बी इक्वल टू 10⁻³ मोल। तो ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखना, ये कन्वर्जन फैक्टर सही में, अब मेरे पास कितने थे, 20 और 8 था ना, तो 20 को मैंने 8 - 3 से किया, इसको मैंने -3 से किया। अब देखो इसको सिर्फ सॉल्व करना बाकी है, इसको आप सॉल्व करो, यहाँ से के का जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, पर मिनट में आएगा, पर मिनट की वैल्यू को आप, अब देखो पर मिनट में आया क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हम सबको पता है के का जो यूनिट होता है या तो पर सेकेंड होगा या तो पर मिनट होगा, बराबर, या तो पर मिनट होगा नेगेटिव में, या तो पर आर होगा या तो पर ईयर होगा। तो टाइम एक इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि टाइम इन्वर्स होता है। तो अब ये मिनट में था तो यहाँ पे के का वैल्यू मिनट में आएगा, के वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, उसके बाद जो टी हाफ का वैल्यू आएगा वो भी किस में आ जाएगा, मिनट में आएगा। सॉल्व करने का जिम्मेदारी आपका, मैंने आपको स्टेप्स बता दिया है कैसे करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इन्होंने बोला था हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.7 आवर्स। देखो हाफ लाइफ का यूनिट याद रखना 1.7 आवर्स दिया हुआ है, तो इन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि टी हाफ। कभी भी आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हो तो जो भी आपको मिलता है सबसे पहले उसको लिख लो। हमारे स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, पूरा न्यूमेरिकल रीड कर लेते हैं, न्यूमेरिकल रीड करने के बाद उनको समझ में नहीं आता करना क्या है, वो पूरा नहीं, पार्ट बाय पार्ट रीड करो उसको। तो उन्होंने टी हाफ का वैल्यू दिया है 1.7 आवर्स। नाउ टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाय के, इसका मतलब यहाँ से मैं के निकाल सकता हूँ, देयरफॉर के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 1.7। अब देखो क्या हमें आवर्स में रखना है कि मिनट में करना है, अब वो अपने ऊपर है भाई, हम क्या करना चाहते हैं, के का वैल्यू आपको किस में चाहिए। अगर आप इसको मिनट में निकालना चाहते हो तो 0.693 डिवाइडेड बाय 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 60 हो जाएगा, अब ये किस में चला जाएगा, मिनट में चला जाएगा। अगर आप इसको सेकंड्स में करना चाहते हो तो एक और 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट डिपेंड्स आप किस में आंसर चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड आंसर मिनट्स में है, मैंने यहाँ एक्सपेक्टेड आंसर रखा हुआ है मिनट्स में है, तो आपको इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 = 60 मिनट्स, ठीक है। अब आगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 20% ऑफ द रिएक्टेंट टू डिसअपियर। देखो ये क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से रीड करना, 20% डिसअपियर करने के लिए बोला है, मतलब अगर मेरे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 होता, उसके बाद 20% गायब हो गया, तो मेरे पास बचा कितना, तो मेरे पास बचेगा 80%, तो मेरे पास 80% विल बी 80, क्योंकि 20% गायब हो गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाते हैं, 20% लेफ्ट नहीं बोला, 20% डिसअपियर हो गया, तो फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के विल बी इक्वल टू 2.303 हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम पूछा है आपसे ना, तो डिवाइडेड बाय टी। तो एक काम करते हैं, इसको टी को उधर ले लेते हैं और के को इधर ले लेते हैं, तो फॉर्मूला मेरे लिए आसान हो जाएगा, तो टी विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग टू द बेस 10। अब इनिशियल कितना मान के चलेंगे, 100, जब भी परसेंटेज के टर्म्स में दिया होगा तो इनिशियल कितना होगा, 100, कितना लेफ्ट हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 80 कैंसिल कर लो। अब इसको सॉल्व करना, लॉग को सॉल्व करना आसान है, के का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, के का वैल्यू हम यहाँ से सॉल्व करेंगे ना, के का वैल्यू जो भी यहाँ पे के का वैल्यू आएगा उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे अगर हम कर भी दें तो टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा, 1.7 × 60, बराबर ना, यही किया ना, 1.7 / 60 लॉग टू द बेस 10, तो इसको अगर मैं करूँ तो 2 × 4 = 2 = 5 जाता है, दिस विल बी 5/4, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा टाइम का वो किस में आ जाएगा, पर मिनट। कैसे पर मिनट में आएगा, बिकॉज के का यूनिट, देखो ये क्वांटिटी यूनिटलेस हो गई, ये यूनिटलेस है, तो सिर्फ के यूनिट पे डिपेंड करेगा, के का यूनिट अगर पर मिनट है तो ऊपर आंसर किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हो, सॉल्व करना, चेकआउट करना आंसर आता है कि नहीं आता, लॉग एंटी लॉग या कैलकुलेटर जैसे भी आप करना चाहो, आंसर निकालने का जिम्मेदारी आपका है। सो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इस क्वेश्चन में फिर से अभी थोड़ा लेंदी है बेसिकली। इन्होंने बोला अ गैसियस रिएक्शन A2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2A इज अ फर्स्ट ऑर्डर इन A2। तो देखो भाई ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो मैं इसका अगर रेट लिखूं तो रेट विल बी इक्वल टू के इनटू A2 रेस टू 1। तो मुझे रूल क्या लगाना पड़ेगा, के विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम लॉग टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन एट दैट टाइम। नाउ इन्होंने बोला आफ्टर 12 मिनट्स 65% ऑफ A2 रिमेन्स।
मतलब अगर मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन 100 था तो 16 मिनट के बाद 12 12.3 मिनट्स के बाद मेरे पास 65% रह जाएगा, तो कितना गया वो आप अंदाजा लगा लो। आई थिंक सो 35% चला जाता है, ठीक है। उसके बाद हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिकम्पोज 90% ऑफ A2, कितना वक्त लगेगा 90% डिकम्पोज होने में। देखो क्वेश्चन को दो बार ट्विस्ट किया है, पहली बार बोला है कि अगर आपका इनिशियल 100 था तो 65% रहने में 12.3 मिनट लगा, यानी चला कितना गया, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 35 मिनट चला, 35% चला गया। फिर बोला है कि कितना वक्त लगेगा उसका 90% टू टेक 90% डिकम्पोज होने में, यानी बच कितना जाएगा, बच जाएगा 10%। तो 90% डिकम्पोज हो जाएगा तो 10 मिनट, 10% बच जाएगा, इसको कितना टाइम लगेगा ये आपको निकालना है। इनिशियल इसका 100 हुआ होगा, तो मुझे लगता है काफ़ी आसान है। कैसे काफ़ी आसान है, यहाँ पर आपको टाइम दे दिया है, यहाँ पे आपको इनिशियल दे दिया है, यहाँ पे आपको फाइनल दे दिया है, यहाँ से आपको रेट कांस्टेंट मिलेगा, रेट कांस्टेंट को आप यूज़ यहाँ पे करोगे। फिर उन्होंने बोला व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। देखो तो वैसे भी मुझे के का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। देखिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ के फॉर्मूले में 0.693 को डिवाइड बाई के करना पड़ेगा, तो के हाफ का वैल्यू, तो के का वैल्यू तो मुझे वैसे भी निकालना ही है। तो एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन को यूज़ करके के का वैल्यू निकालते हैं। तो पहले इक्वेशन को यूज़ करके के का वैल्यू क्या आएगा, के विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया है 12.3 लॉग टू द बेस 10, ऊपर कितना आ जाएगा 100, नीचे कितना आ जाएगा 65% रह गया है। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो के का पर मिनट में आएगा, क्योंकि मिनट्स में दिया हुआ है। सो दिस विल बी, के विल बी इन पर मिनट, ठीक है। अब के मिल गया, अब इससे हम दो काम कर सकते हैं, एक तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं टी हाफ निकाल सकते हैं, दूसरा हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर मुझे टाइम निकालना, तो टाइम विल बी 2.303 डिवाइडेड बाई के लगेगा, लॉग टू द बेस 10, इनिशियल कितना हो जाएगा 100, फाइनली कितना बच गया 10 बच गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 10, लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 क्या हो जाएगा 1। अब मुझे सिर्फ इसको के से डिवाइड करना है 2.303 को, तो एक बार के का वैल्यू निकल गया तो बाकी का काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ के मिनट में है तो इसका भी जो टी का आंसर आएगा वो भी किस में आ जाएगा, मिनट्स में आ जाएगा। आई होप समझ में आया, क्वेश्चन लेंदी है, करने में थोड़ी टाइम लगेगा, बट आप इसको फटाफट कर सकते हो अगर आपको ऑलरेडी स्टेप्स पता है। देखो क्वेश्चन रीड करके आपके दिमाग में उसका ना पैटर्न बन जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना है, और कभी भी एक साथ क्वेश्चन रीड मत करो, जो भी पढ़ रहे हो उसको पेपर पे लिखते जाओ, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा लेंदी होगा। उन्होंने बोला था रेट कॉन्सेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट कॉन्सेंट का के का वैल्यू दे दिया, के का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.8 × 10⁻⁴ पर सेकेंड, सेकेंड्स में दिया है। इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 0.04 मोलार, A0 का वैल्यू उन्होंने दिया है 0.04 मोलार, ठीक है। व्हाट इज द मोलैरिटी आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट्स के बाद बताओ मोलैरिटी कितनी होगी 20 मिनट्स के बाद। ओके ग्रेट, समझ में आ गया कैसे करना है। अच्छा हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 25% ऑफ द रिएक्टेंट टू रिएक्ट, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है तो इसका अगर 25% रिएक्ट हो जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये भी आपसे पूछा है। पहले क्या पूछा, 20 मिनट के बाद कितना बचेगा वो बताओ, और अगर मान लो अगर 25% को इसका 25% अगर डीकम्पोज होगा, यानी 25% चला जाएगा, तो मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ओके पहले वाले में कितना पूछा, 20 मिनट्स दे दिया, तो एक काम करते हैं, और के का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उन्होंने क्या पूछा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो के विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम लॉक टू द बेस 10, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.04, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है वही तो नहीं पता अपने को, वही तो निकालना है। तो एक काम करते हैं उसको 80 रख लेते हैं। अब ये इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, स्प्लिट कैसे करोगे, के इंटू टी डिवाइडेड बाय 2.303 विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 0.04 माइनस लॉग ऑफ 80। अब मुझे लगता है ये आपको निकालना है ना, इसको आपको ढूंढ के निकालना है, तो इसको वहाँ पे कर दो और उन सबको यहाँ पे लाओ। अब इसको रीअरेंज करके आंसर आप आराम से निकाल सकते हो, कैसे, लॉग ऑफ 80 will be equal to log of 0.04 minus k into t divided by 2.303। अब इसमें से पहले इस पूरे को सॉल्व करो, इसको पूरे को पहले सॉल्व करो। अगर आप एक BSc के स्टूडेंट हो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, अगर 11, 12 के नीट JEE के स्टूडेंट हो तो आप पहले इसका लॉग निकालना बड़ा ही आसान है। कैसे लॉग आसान निकाला, इसको एक काम कर दो, लॉग ऑफ 4 × 10⁻², कर दो तो इसको स्प्लिट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 4 प्लस लॉग ऑफ 10⁻²। लॉग ऑफ 4 कितना हो जाता है 2 का डबल, 2 का स्क्वायर आएगा ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 0.3010, तो 0.6020 हो जाएगा। अब इसका माइनस 2 नीचे आ जाएगा, माइनस 2 लॉग में, तो ये तो यहाँ पर सॉल्व हो गया।
ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लो, इसको लॉग से जैसे भी आप सॉल्व करना चाहते हो, मैथमेटिक्स करना जिम्मेदारी आपकी है। इन वीडियोस में मैं आपको मैथमेटिक्स करना आई एम सॉरी नहीं सिखा सकता, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वैदिक मैथमेटिक्स के वीडियो देख लो, जहाँ पे आप कैलकुलेशंस के ट्रिक्स को आप फटाफट कर सकते हो। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हो तो 2.303 को लेने की जगह 2.3 ले लो, क्योंकि वो 0.3 से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं हमारे आंसर में, आपके ऑप्शन में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आप इसको सॉल्व करो, एक बार उसको सॉल्व कर लोगे तो उसका एंटी लॉग ले लेना, एंटी लॉग लोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि एटी का वैल्यू कितना है वो आपको पता चल जाएगा। ये तो पहला हो गया। दूसरा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 25% ऑफ द रिएक्टेंट टू रिएक्ट, 25% को रिएक्ट करने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई सिंपल सा फंडा है, पहले तो ये पता करो इसका 25% मतलब कितना, हाउ व्हाट इज 25% ऑफ 0.04। तो 25% ऑफ 0.04 इज इक्वल टू, बोलो कैसे करोगे, 25/100 इंटू 0.04। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आएगा 0.01। भाई सिंपल सा फंडा है, अगर मेरे पास चार हिस्से हैं, 0.04 है ना, तो उसको 4 मानो, 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है, बराबर ना, चार हिस्से 25 25 25 25, तो 0.01 है। इनडायरेक्टली वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर 0.04 में से 25% दैट इज 0.01 गया तो बचेगा कितना, 0.03। तो 0. इनिशियल दे दिया है, फाइनल दे दिया है, बताओ टाइम कितना लगेगा। तो आई थिंक सो ये भी आसान है, टाइम विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू 6.8 इंटू 10^-4 लॉग टू द बेस 10। इनिशियल कितना है 0.04, फाइनल कितना है 0.03। आई होप समझ में आया। अब देखो इसको तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते, तो 4/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी 2 decimal, यहाँ से भी 2 decimal, तो 4/3। लॉग ऑफ 4 और लॉग ऑफ 3 आपको याद रखना, मैंने हमेशा एक चीज़ स्टूडेंट्स को कही है, लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 5, लॉग ऑफ 7, ये याद रख लो, क्योंकि बाकी सब नंबर इन्हीं के मल्टीपल्स में आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रहेंगे तो काफ़ी आसान हो जाता है। अब इसको सॉल्व करके टाइम निकालो, जो भी टाइम आएगा वो आपका किस में आएगा, मिनट्स में, हाँ कि सेकंड्स में, सेकंड्स में, क्योंकि आपका जो रेट कॉन्स्टेंट है वो किस में दिया हुआ है, सेकंड्स में। तो इसका सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो सेकंड्स में आएगा। आप चाहो तो उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मिनट्स में, आप चाहो तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आवर्स में। एक्सपेक्टेड आंसर मिनट्स में है, तो कोशिश करो जो सेकंड का आंसर आएगा उसको आप मिनट में कर दो। मिनट में करने के लिए यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 60 से, समझ में आया। तो दिस इज़ क्वाइट सिंपल, आप इसको आराम से बैठ के कर सकते हो। आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है पर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, फिर से वही बात कर रहा हूँ। द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ सर्टन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, इन्होंने रेट कॉन्स्टेंट के का वैल्यू दे दिया, के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.12 × 10^-3। हाउ मेनी मिनट डज इट टेक टू रिएक्ट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टू ड्रॉप टू 0.02, कितना वक्त लगेगा रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन को 0.02 होने में, इफ़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, मतलब अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.045 था तो कितना टाइम लगेगा उसको इतना होने में। तो देखो A0 का वैल्यू दे दिया, AT का वैल्यू दे दिया, K का वैल्यू दे, तो हमें चार ही तो चीज़ चाहिए होती हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, रेट कॉन्स्टेंट और टाइम। टाइम निकालने बोला है, तो आई थिंक सो टाइम विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय रेट कॉन्स्टेंट, लॉग टू द बेस 10, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब मुझे लगता है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, मुझे लगता है ये चारों दे दिया है, तीन दे दिया है, रेट कॉन्स्टेंट दे दिया है, इनिशियल दे दिया है, फाइनल दे दिया है, टाइम पूछा है। बस मेक श्योर कि टाइम का यूनिट क्या होगा, वो डिपेंड करता है के का यूनिट क्या है, तो के का यूनिट पर मिनट है, तो यहाँ पर भी टाइम किस में आ जाएगा, मिनट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन उन्होंने बोला, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 1.5 आवर्स, मतलब अगर इसी रिएक्शन को जिसका 0.045 है, अगर इसी को मैं चलने दूं 1.5 घंटे तक, 1.5 आवर्स तक, तो बोलो अब उसका मोलैरिटी कितना होगा, एटी कितना होगा। ए जीरो दिया है, रेट कॉन्स्टेंट दिया है, बोलो कैसे निकालोगे। सबसे पहली बात, रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट मिनट्स में है और आपको बोला है 1.5 घंटे के बाद, तो दोनों का यूनिट सेम रहना चाहिए, तो 1.5 आवर्स को पहले कन्वर्ट कर दो मिनट्स में, तो 1.5 आवर्स इंटू 60 करना पड़ेगा। सो टाइम कितना हो जाएगा, 1.5 × 60 × 60, ठीक है, ये आपका अभी किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट्स में। रेट कॉन्स्टेंट भी किस में आ गया है, मिनट्स में। अब तो काफ़ी आसान है, अब आपसे क्या पूछा गया, कितना 80 बचेगा। तो देखो सेम वाला फॉर्मूला अपने को लगाना पड़ेगा, मैं सेकंड वाला यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैं स्प्लिट कर दूँ इसको पहले से, तो लॉग टू द बेस 10 ऑफ A0 / AT विल बी इक्वल टू K × T / 2.303।
आपको समझा मैंने क्या किया, मैंने इसको सिर्फ थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दिया है। अब इसमें से मेरे को 80 निकालना था, तो log टू द बेस 10 ऑफ 80 विल बी इक्वल टू log ऑफ a0 माइनस k इंटू टी अपॉन 2.303। अगर आपने इससे पहले वाला न्यूमेरिकल देखा होगा तो सेम स्टेप्स में करना था, आपको वहाँ पे 80 निकालना था, करेक्ट है। तो अब log ऑफ a0 का वैल्यू दे दिया है ऑलरेडी, माइनस k, k का वैल्यू आपको, k का यूनिट आपको ऑलरेडी 3.12 इंटू 10^-3 दिया है, टाइम का वैल्यू आपको ऑलरेडी दे दिया 1.5 × 60 2.303। इसको सॉल्व करो, फिर उसका एंटी लॉग लो, तो आपको 80 का वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस इज़ क्वाइट सिंपल, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैथमेटिकल स्टेप्स करने के हर स्टूडेंट के पास अपने खुद के ट्रिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो यूनिवर्सल ट्रिक है, आप इसी ट्रिक को फॉलो करो आपको आंसर आ जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे और उसका एंटी लॉग ले लेंगे, फिर यहाँ उसका एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ से लॉग हट जाएगा, तो ए जीरो अपॉन 80 बचेगा। सो देयर आर मल्टीपल स्टेप्स, यू कैन डू योर ओन वे, आपको जैसे अच्छा लगता है, बट हमें लास्ट में फाइनली आंसर चाहिए और ये उसका मोलैरिटी में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं नीट और जेई में, इन क्वेश्चंस को मैं कहूंगा नीट जेई के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। इन्होंने पूछा था कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स अ प्रोडक्ट वेरीड विद टाइम एज फॉलोज। वक्त के साथ ए का कंसंट्रेशन कितना है वो यहाँ पे दिया हुआ है, वक्त के साथ, यानी जब टाइम जीरो हुआ होगा तब इनिशियल कंसंट्रेशन ये, तो मैं कह सकता हूँ ए जीरो का वैल्यू मेरे लिए कितना हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा, फिर 10 मिनट के बाद इतना, 20 मिनट के बाद इतना, 30 मिनट के बाद इतना, 40 मिनट के बाद, यानी ये जितनी वैल्यूज दी हुई हैं ये सब आपकी क्या दी हुई है, 80, ये 80 दी हुई है, और ये जो वैल्यू है आप इसको क्या मान के चल सकते हो, इसको मान के चल सकते हो ए जीरो। शो दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, आपको शो करना है कि फर्स्ट ऑर्डर है। भाई फर्स्ट ऑर्डर शो करने का मतलब क्या होता है, आप रेट कॉन्स्टेंट निकाल लो, दो जगह पे रेट कॉन्स्टेंट निकालो, अगर दोनों जगह पे रेट कॉन्स्टेंट सेम आता है मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर है, बिकॉज रेट कॉन्स्टेंट इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो देखो k का वैल्यू विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम log टू द बेस 10 इनिशियल अपॉन फाइनल। अब एक काम कर लेते हैं, तो k का वैल्यू पहले निकालते हैं, 2.303 रख लेते हैं, टाइम को 10 मिनट लेके चलते हैं, 10 मिनट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, log टू द बेस 10 इनिशियल कितना है 0.08 डिवाइडेड बाय फाइनल कितना है 0.0536 उस समय 10 मिनट के बाद, 10 मिनट्स द कंसंट्रेशन इज दिस मच। इसको सॉल्व करके देखो, के का यूनिट क्या था, के का यूनिट मिनट्स में आएगा, पर मिनट, क्यों पर मिनट, ये नीचे 10 मिनट्स हैं, करेक्ट है ना, तो मिनट्स ऊपर जाएगा तो पर मिनट हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर के का आंसर आएगा, लेट इज से इट इज़ K1, ठीक है। अब K2 निकालो, K2 कैसे निकालते, कोई भी और ले लो, लेट इज से 30 मिनट्स पे निकाल लेते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, log टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.08, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 30 मिनट्स पे 0.0359। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो K2 का, दैट विल बी अगेन पर मिनट। इफ़ K1 इज इक्वल टू K2 तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर, इफ K1 इज नॉट इक्वल टू K2 नॉट फर्स्ट ऑर्डर, ये आपको प्रूफ करना है ना। अब ये एंट्रेंस में नहीं आएंगे प्रूफ करने के लिए, ऑब्वियसली ये स्टेट बोर्ड में क्वेश्चंस आ सकते हैं, या कभी कभी हम यहाँ वहाँ देख लेते हैं, कभी कोई टीचर अगर बच्चे को पढ़ा रहा तो आप इस तरीके से इसको ले सकते हैं। सो यहाँ पर आपके मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं जो इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है, लेकिन दिस क्वेश्चन आर रिलेटेड ओनली विद कॉन्सेंट्रेशन, ये प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है। आने वाले टाइम में हम और देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स को जो प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इनकेस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में मदद मिली हो, आप 11th 12th के हो या BSc के हो या MSc के हो या एक टीचर हो, फर्क नहीं पड़ता, प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं मेरे लिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं चीज़ों को। देखो मैं भी नया हूं चीज़ों, मैं भी सीख रहा हूं चीज़ों को, तो अगर आपकी तरफ से मुझे कोई सजेशन मिलता है, कोई टेक्निकल बंदा है जो मुझे किसी चीज़ में हेल्प कर सकता है, सो प्लीज़ योर मैसेजेस आर वेरी प्रीशियस फॉर मी, डू सेंड मी द मैसेज, कमेंट कर दो या मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, अगर आप सोशली सबके सामने नहीं बताना चाहते हो, दैट विल मीन अ लॉट टू मी। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, नए लोगों को इनवाइट करो, फैमिली को बढ़ाओ, जितना ज़्यादा हमारी फैमिली बढ़ेगी, जितना ज़्यादा पब्लिक हमारे साथ और ऐड होगी, उतना ज़्यादा हमारे लिए हमारा चैनल उतना जल्दी ग्रो करेगा, हमारा चैनल उतनी हमारी फैमिली उतनी जल्दी बड़ी होगी, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।